हमी आप इस जबान तराज लड़की की वजह से अनाया भाभी को दरबदर किए बैठी हैं। चुप कर जा सबके सब। जब मेरा पोता इस दुनिया में आंखें खोलेगा, मेरी गोद में आएगा और मैं उस लम्हे का इंतजार हॉस्पिटल में बैठ के करूंगी। अम्मी मैंने पहले दिन से ही मोमल से कोई तवक्को नहीं बांधी। नहीं रहना मुझे इस शख्स के साथ। अच्छा ठीक है, मत रहना तुम फरीद के साथ। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, ठीक है? खैरियत तो है, आप कुछ परेशान दिख रही हैं। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इतनी बेरुखी से बात क्यों करती हैं? मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं, मैं अम्मी के फोन का इंतजार कर रही हूँ। आप जाइए यहाँ से। आपकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपको लेके चलता हूँ ना, आप देख के तसल्ली कर लीजिएगा। नासिर मियाँ, मैंने आपके कमरे में कॉफी भिजवा दी, जाकर पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। हम अभी कॉफी बाद में भी बन जाएगी, अभी मिस अनाया। मैं मिस नहीं हूँ, बेवा हूँ एक। आप किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। तो भाई बहुत ही डीट शख्स है, आज जीरक आए मैं उससे बात करूंगी। नहीं अम्मा भी, रहने दे। बेटा तुम परेशान क्यों हो? अम्मा भी मोमल की तबीयत ठीक नहीं है और सोनी के दांत में रात भर दर्द रहा है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है। लेकिन बेटा वो जीरक तो नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप सोनी को तैयार कर दीजिए, मैं लेकर चली जाऊंगी। ठीक है बेटा। अलग होना चाहती हो तुम फरीद से? हाँ। वजह? वजह आप जानती हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ मोमल कि तुमने पहले दिन से ही फरीद को तस्लीम नहीं किया था। अनाया और फरीद पर इल्जाम तो सिर्फ एक बहाना है, दर हकीकत तुम्हारे अंदर कोई और ही जज्बा है जो पल रहा है और तुम्हें सुकून नहीं लेने देता। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वो वजह अली है? बिल्कुल, आज मैं इनकार नहीं करूंगी मोमल। हाँ बस यही वजह है जो मुझे सुकून से नहीं जीने देती, क्योंकि अनाया ने मेरे दिल पे डाका डाला है, मुझसे मेरे अली को छीन लिया। फिर फरीद पर इल्जाम क्यों लगाती हो, जबकि फतूर तो तुम्हारी अपनी नियत में है। शोहर के होते हुए भी किसी और का ख्याल अपने दिल में पाल रखा है तुमने, अपनी जिंदगी अजाब बना ली है। एक बेमायने जज्बा है जिसने तुम्हें सरापा इंतकाम बना दिया है, बेवा बहन को दरबदर कर दिया है। क्योंकि इसी बहन ने मुझसे अली को छीना था। अनाया के पास भी क्या रहा बताओ मुझे, अली तो चला गया, अब तो दुश्मनी खत्म कर दो, अनाया के पास कुछ नहीं अब। लेकिन अनाया के साथ अली का नाम तो जुड़ा है ना, वो भी सारी उम्र के लिए, और फिर फरीद की तवज्जो भी तो उसे हासिल है ना। मगर मेरे पास क्या है, मेरे हाथ तो खाली है ना। ठीक कह रही हो तुम मोमल, तुम्हारे पास वाकई में कुछ नहीं सिवाय जलन और हसद के, तुम दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है। मगर ऐसे नहीं, कुछ अरसे तुम्हें फरीद से अलग रहना पड़ेगा। ठीक है, अम्मी का घर खाली पड़ा है, मैं वहां चली जाती हूँ। तुम उस घर में नहीं जा सकती क्योंकि उस घर पर स्टे लगा हुआ है, मैं अपने वकील से बात करती हूँ। जब तक तुम इसी घर में रहोगी, और फरीद अब इस तरफ नहीं आएगा। सही है। और ना ही तुम कोई उल्टी सीधी हरकत करोगी। नहीं करूंगी। Oh
हेलो अनाया जी। अम्मी तुम बिल्कुल परेशान मत होना, यहाँ सब ठीक हो गया है। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन अम्मी प्लीज आप फरीद को समझाया करें। मैं जानती हूँ कि मोमल को फरीद की कौन सी बात बुरी लगती है। अरे उसे तो फरीद ही बुरा लगता है, बाकी बातें तो रहने ही दो। अम्मी दोनों नादान हैं, ऐसा ना हो कि छोटी सी बात उनके लिए उम्र भर का रोग बन जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर बाद में क्या रह जाता है सिवाय पछतावे की। यही बात तो उन्हें समझ में नहीं आती, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं अपने घर को टूटने नहीं दूंगी मैं। मोमल आखिर मेरे भाई की बेटी है। अम्मी आपके भाई की बेटियां तो सवेरा और निमरा भी हैं, प्लीज आप उनका ख्याल रखें, सवेरा बहुत परेशान है। उन दोनों से तो मुझे सिर्फ इस बात की शिकायत है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की, और निमरा ने तो हद ही कर दी। खैर अम्मी आप निमरा को समझिए, वो तो सबके साथ मुखलिस है। अच्छा अनाया तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जाऊंगी सवेरा की तरफ, तुम बस अपना ख्याल रखना। अच्छा अम्मी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अनाया। सोनी सोनी बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्मी डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि साजिद की बीमारी ला इलाज है। निमरा तुमसे बहुत प्यार करती थी आमिर, तुमने धोखा दिया उसे, उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई आमिर। अच्छा बेटा ये बताओ तुम निमरा से क्या चाहती हो? अम्मी मेरी जिंदगी आपके सामने है, साजिद ने कभी भी मुझे सुख नहीं दिया, यहां तक के उठते बैठते मैं सिर्फ मौत ही मांगा करती थी, और इन सब चीजों की जिम्मेदार कोई और नहीं मेरी अपनी सगी माँ थी। यानी तुम चाहती हो कि निमरा तलाक ले ले और आमिर से शादी कर ले? जी। और बच्चे का क्या होगा? अम्मी वो बच्चा। हाँ हाँ बोलो, खामोश क्यों हो गई? आप क्या कहलवाना चाह रही हैं अम्मी? अपना वो शक दूर करना चाहती हूँ जो तुम्हारी मजलूमियत की सच्चाई बन जाए। और ये बताओ कि साजिद की औलाद का क्या होगा? अम्मी वो कहो बेटा, अम्मी भी तो कह रही हो ना। अम्मी डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि साजिद की बीमारी ला इलाज है। आपका शक मेरा यकीन है अम्मी, निमरा के बच्चे का बाप का नाम साजिद नहीं बल्कि साजिद हो ही नहीं सकता। तो क्या निमरा का किरदार मशकूक हो गया ना? जी। और तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन का मशकूक किरदार वाजे हो जाए? उसने ऐसा क्यों किया, उसके बच्चे की पहचान क्या है, ये जानना चाहती हो ना तुम? जी। तो फिर ठीक है, तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा, तुम्हारी जहां मर्जी आओ अपनी मर्जी से जाओ, लेकिन मुझसे पूछकर।
जी कौन? अम्मा बेब, अनाया से कहें सोनी को तैयार कर दे, डॉक्टर को दिखाना है उसे। बेटा वो तो अनाया लेकर चली गई उसे। कहाँ लेकर चली गई? वही डॉक्टर के पास। मगर अम्मा बेब, ड्राइवर तो मेरे साथ है, वो कैसे चली गई? असल में उन्होंने फोन करके टैक्सी मंगवा ली थी। अच्छा ठीक है, मैं पिक कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। हेलो। हाँ अनाया, कहाँ हैं? सोनी का चेकअप करवा लिया है मैंने, बस घर की तरफ आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप वहीं रुके, मैं दो मिनट में आ रहा हूँ, हॉस्पिटल के करीब ही हूँ मैं। ओके जी, ठीक है। हॉस्पिटल लेने लो भाई, पापा यहीं आ रहे। अनाया, आमिर तुम? तुम कहाँ चले गए थे? नया, ये मैं बाद में बताऊंगा, ये बताओ तुम कैसी हो और ये बच्ची? ये सोनी है, मैं गवर्नेंस हूँ इसकी। लेकिन आमिर तुमने ये क्या किया? निम्रा तुमसे बहुत प्यार करती थी आमिर, तुमने धोखा दिया उसे, उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। आमिर, मैं भी निम्रा से बहुत प्यार करता हूँ नया, तुम प्लीज उससे बात करो ना। बात करो? आमिर अब तो उसकी शादी हो गई है, वो माँ बनने वाली है। निम्रा साजिद के बच्चे, तुम प्लीज उससे बात करो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ प्लीज। मगर देखो, इसी में हम तीनों की बेहतरी है, तुम मेरी मदद करो, मुझे उससे मिलवा दो प्लीज। तीनों? हाँ, निम्रा, मैं और हमारा बच्चा। क्या आमिर, क्या कह रहे हो तुम? वो बच्चा तुम दोनों का? जी हाँ, मेरा, निम्रा का। जीरक साहब ये आमिर हैं और आमिर ये जीरक साहब। खुशी हुई आपसे मिलकर। सेम हियर। चलें। जीरक साहब, मैं आमिर के साथ जाना चाहती हूँ। जी? आप? श्योर। आओ बेटा। अम्मी, मैं अपना बेडरूम नहीं छोड़ूंगा मोमल के लिए, उसने नहीं रहना मेरे साथ तो जाए कहीं और रहने। देखो फरीद, जग हसाई मत करवाओ। अगर मोमल को अकल नहीं है तो तुम तो समझदारी से काम लो, इस सारे मामले को जरा दिमाग से हैंडल करो तुम। मैं आपको सिर्फ मोमल की फिक्र, इसका मतलब ये कि अली भाई का कोई वजूद नहीं था हमारे लिए, वो कोई अहमियत रखते हैं? जब उनकी बीवी बच्चे इस घर में कदम नहीं रख सकते। देखो फरीद, अली मरकर इस दुनिया से चला गया, लेकिन जो जिंदा है ना, उन रिश्तों को तो संभाल लो तुम। मैं बता रही, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो मैं मरते दम तक तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आप मोमल को बड़ी मोमानी के घर शिफ्ट होने दे, जाती है तो जाए। कैसे चली जाए, हद हो गई है। अनाया भाभी भी तो चली गई है ना। अनाया समझदार है, संजीदा लड़की है, वो कहीं भी अकेले गुजारा कर लेगी, लेकिन मोमल उसमें वो असाफ नहीं है। मैं तुम्हें जो समझा रही हूं बस तुम वो करो, तुम पीछे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ, मैं बुआ से कह के तुम्हारा सामान वहां भिजवा देती हूँ। कुछ दिनों के लिए तुम्हारा और मोमल का अलहदा रहना जरूरी है। हमारा हमेशा हमेशा के लिए अलग रहना बहुत जरूरी है। फरीद, तुम्हें मेरी कसम बेटा, प्लीज जिद छोड़ दो, मान लो मेरी बात। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके बाद भी अगर ये घर ना बच सका तो उसे शिकवा मत कीजिएगा।
कोई तो बात है आमिर जो तुम और निमरा मुझसे छुपा रहे हो। तुम्हारा इस तरह निमरा की मोहब्बत में तड़पना मोहब्बत नहीं है, पछतावा है। तुम जानती हो मुझे यहाँ लाने वाला कौन है? आमिर। तुम्हारे हालात सुन के बहुत अफसोस हुआ, लेकिन निमरा ने तुम्हारी खातिर साजिद को क्यों कबूल किया? एक बात तो साबित हो गई आमिर के निमरा की जिंदगी बर्बाद सिर्फ तुम्हारी वजह से। निमरा ने तुम्हारा जुल्म छुपाने के लिए और सिर्फ बदनामी से बचने के लिए साजिद का सहारा लिया। क्या कहना चाहती हो तुम? तुम अच्छी तरह से जानते हो और समझते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सिर्फ कबूल करने से इनकार कर रहे हो। हमेशा से बुजदिल हो ना तुम तो। अनाया, कोई तो बात है आमिर जो तुम और निमरा मुझसे छुपा रहे हो। तुम्हारा इस तरह निमरा की मोहब्बत में तड़पना मोहब्बत नहीं है, पछतावा है। हाँ, पछता रहा हूं। जुर्म किया है मैंने। मैंने निमरा को बदनाम किया है उसकी माँ की लालच की वजह से, उसके माँ से इंतकाम के लिए। आमिर, अनाया मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं मर जाऊंगा अगर निमरा मुझे नहीं मिली और अगर मैंने अपने बच्चे को नाम ना दिया। आमिर, अनाया इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि इस बच्चे का बाप निमरा ने सिर्फ अपने आप को बदनामी से बचाने के लिए साजिद की महरूमियों का सहारा लिया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी आमिर कि तुम इस कदर घटिया इंसान। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने निमरा को। मैंने निमरा से निकाह किया था आमिर, और फिर तलाक भी दे दी थी। आमिर, आमिर तुमने क्यों किया ऐसा? तुम्हें तो इंसान कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। तुमने मेरी बहन को बर्बाद कर दिया। मैं अपने बच्चे को बस अपना नाम देना चाहता हूँ नाया। अगर निमरा ने इनकार कर दिया फिर भी? मैं कोर्ट का सहारा लूंगा, मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगा, हर कंफर्मेशन करूंगा। आमिर, अगर मैं यहां से ना जा सकी तो क्या करूंगी? निमरा, सवेरा, तुम यहां क्या कर रही हो? मना क्या था ना मैंने तुम्हें आने से? जब तक तुम मुझे सही तरह से फैसला नहीं सुनाओगी मैं यहाँ पे आती रहूंगी। मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुकी हूँ। कब तक छुपाओगी दुनिया वालों से? तुम जानती हो मुझे यहाँ लाने वाला कौन है? आमिर। निमरा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी हकीकत हम बहनों से छुपाओगी। तुमने आमिर से शादी कर ली और हमें खबर भी ना होने दी। क्या अनाया, ये तुम क्या कह रही हो? निमरा, तुमने आमिर से शादी की हुई? कैसे बताती? जो कुछ आमिर ने मेरे साथ किया वो सबको कैसे बताती मैं? तुम्हें हम पर भरोसा नहीं था क्या निमरा? उस वक्त जो घर के हालात थे क्या बताती मैं तुम लोगों को? निमरा, क्यों तुमने अपनी जिंदगी को इतने बड़े इम्तिहान में डाला? ताकि साजिद से तुम्हारा पीछा छुड़ा सकूं, तुम्हें बचा सकूं, अनाया को साजिद से बचा सकूं, उसके जुल्म से बचा सकूं। आमिर की बेवफाई के बाद मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो मैं खुदकुशी कर लेती या अपने बच्चे को कुर्बान कर देती। देखो निमरा, झूठ मत बोल। हमने खुद इनाया और सवेरा को घर से निकलते हुए देखा है और वो आमिर के साथ गई हैं। सफी आपा, बस कीजिए। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप अनाया पर ऐसी इल्जाम तराशी करें। जीरक साहब, आपने मुझे पल भर में क्या से क्या समझ लिया। आमिर मेरे लिए मेरे भाई जैसा है। देखिए, मेरे पास तो कोई और रास्ता भी नहीं। मैं किससे मदद लेता? सवेरा से या अनाया से? और क्या करता मैं?